हाय गाइस, वेलकम बैक टू अपडेट योर सेल्फ। मैं हूँ मधु और आप देख रहे हैं आपका चैनल अपडेट योर सेल्फ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मास्टर वीज़ा एंड रुपए कार्ड में डिफरेंस। आपके पास बहुत सारे कार्ड होंगे, कुछ के पास मास्टर कार्ड रहते हैं, कुछ के पास वीज़ा कार्ड रहते हैं और कुछ के पास सी पे रुपये कार्ड्स रहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी इसमें डिफरेंस क्या है। एक्चुअली इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रुपए एक इंडिया पेमेंट गेटवे है। यानी ये जो जितने भी कार्ड्स होते हैं, मेस्ट्रो कार्ड, मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड, यूपे कार्ड, ये सब एक जो कंपनियां बनाती है वो होते हैं पेमेंट गेटवे। और रुपे कार्ड जो है वो इंडिया का पेमेंट गेटवे है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये रुपे कार्ड इंडियन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही बना हुआ है। यानी हमारी इंडियन कार्ड है। और अभी तक अमेरिका, चाइना और जापान के पास ही अपने पेमेंट गेटवे थे। और भारत ऐसी एक चौथी कंट्री है जिसके पास खुद का अपना एक पेमेंट गेटवे है, जिसे कहते हैं रुपे। रुपे का मतलब होता है रुपीज पेमेंट। ये इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। और अब मैं आपको डिफरेंस बता दूं। डिफरेंस ये है कि मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड जो होते हैं वो बाहर की कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं। और वो कार्ड्स लेने के लिए, जब वो कार्ड्स गवर्नमेंट लेती है या बैंक्स लेती है, तो उन्हें कुछ पैसे उन्हें देने पड़ते हैं और वो पैसे डायरेक्टली हमसे ही लिए जाते हैं। जबकि रुपए कार्ड इशू करते इस टाइम पर बैंक अपने कस्टमर से कोई भी पैसे नहीं लेती है, क्योंकि वो इंडियन कार्ड है और इंडियन गेटवे है, इसलिए उसे यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई मनी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड है, दूसरा डिफरेंस ये है कि मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं या फिर आप कहीं शॉपिंग करते हैं, तो उसमें जो ट्रांजेक्शन चार्जेस कटते हैं वो ट्रांजेक्शन चार्जेस आपके और ज़्यादा करते हैं। जबकि आप रुपए इंडियन कार्ड का यूज करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन आपके कम करते हैं, क्योंकि वो इंडियन कार्ड है, वो कंपनी पैसे कम लेती है क्योंकि इंडियन कंपनी है। जबकि यहाँ से जो ट्रांजेक्शन होता है वो वीज़ा या मास्टर कार्ड जो पेमेंट गेटवे वहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं। और चूंकि वो बाहर का गेटवे है, इसलिए वहाँ पे जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं रुपए और वीसा कार्ड के, तो टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम की प्रोसेसिंग ज़्यादा लगती है। जबकि रुपए कार्ड चूंकि इंडियन कार्ड है, जहाँ से अगर हम पेमेंट करते हैं तो टाइम की प्रोसेसिंग कम हो जाती है, यानी कम टाइम में जल्दी ट्रांजेक्शन हो जाता है। और एक बात और बता दूँ कि रुपए इंडिया का गेटवे है, इसलिए यहाँ पे अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो ज़्यादा सेफ है। जबकि अगर आप मास्टर या वीसा कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर पेमेंट जो आप करते हैं वो उतना सेफ नहीं है जितना कि यहाँ पर। रुपए कार्ड में अभी सिर्फ डेबिट कार्ड बनाया गया है, इसमें क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया गया है। जो मास्टर और वीज़ा कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड में भी अवेलेबल है। और ये जो रुपए कार्ड है, इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि ये नेशनलाइज है, मतलब अभी ये सिर्फ अपने इंडियन नेशन में ही काम करती है। इससे आप फॉरेन या जो बाहर की साइट, बहुत सारी सी साइट से जहाँ पर आप इससे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, तो आपके पास एक मास्टर या वीज़ा कार्ड होना जरूरी है। बट अभी के सिनेरियो में हमारी गवर्नमेंट बाहर की कंपनी से टाई अप कर रही है, जिससे कि रुपए कार्ड से भी आप इंटरनेशनल साइट पे पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक बात और बता दूं कि रुपए कार्ड हमारी कंट्री में 26 मार्च 2012 को आया था, और तब से अब हमारी बहुत सी मोस्ट ऑफ कंपनीज या मोस्ट ऑफ बैंक अभी रुपए कार्ड ही इश्यू करती है। तो अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो आप रुपए कार्ड से पेमेंट करिए, शॉपिंग करिए अगर आप इंडिया में ही हैं, क्योंकि उससे आपके ट्रांजेक्शन भी कम रहेगा, वो ज़्यादा सेफ रहेगा और आपका टाइम ड्यूरेशन भी कम लगेगी। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास आने में आ तो जाएगा लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से अपनी बहुत सारी बातें शेयर करूंगी, और तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट जब तक पहले पाने के लिए।